सुप्रभात, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम हाथीखेदा ठाकुर मंदिर जा रहे हैं। तो कल रात की बात है, मेरे पति परमेश्वर घर आए और बोले क्यों ना हम लोग हाथीखेदा मंदिर चले। तो मैं बोली ऐसे कैसे, ना फल फूल कुछ भी नहीं लिया गया है। तो वो बोले कोई बात नहीं, तुम जल्दी उठ के रेडी हो जाना बस, और बाकी हमें सब सामान वहीं मिल जाएगा। तो हम सुबह को उठे और जल्दी जल्दी काम करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जाओ जाके नहा लो, रेडी हो जाओ, तुम्हारा बहुत लेट होता है। तो मैं बोली ठीक है। अब हम चलते बने कि जल्दी जल्दी रेडी होने लगे नहा धोवा के। तो वो सारा काम निपटाए, नहा धोवा के रेडी हो गए। तब तक मैं रेडी ही हो रही थी। फिर जल्दी से ख़त्म होके हम लॉक किए घर और निकल पड़े। तो हमारे यहाँ से हाथीखेदा मंदिर कुछ एक घंटे का रास्ता है और 26 और 27 किलोमीटर्स है। तो हम डिमना होके घाटी होके जा रहे थे। तो वहाँ का व्यू इतना सुंदर, मुझे नेचर बहुत पसंद है और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी वहाँ उस रास्ते जाते। तो मेरे दिमाग में एक गाना गुनगुना रहा था और वो ये गाना है। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे आप इतनी रियायत क्यों देते हैं? दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने यूं तो कहते कई। हैं कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश की है कभी? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है। तो मैंने सुना है कि हाथीखेदा मंदिर का कोई स्टोरीज है। तो एग्जैक्ट मुझे स्टोरीज नहीं पता, लेकिन मैंने किन्हीं से सुना है कि एक हाथी वहाँ जाके मर गया और उसके पीछे पीछे एक और हाथी जाके वहाँ पे मर गया। और फिर और एक स्टोरी सुना है कि वहाँ पे बहुत जंगली जानवर आते थे, मतलब जंगली हाथी आते थे, और वहाँ पे धीरे धीरे एक हाथी करके मतलब बहुत वहाँ के लोग भगाने के लिए तरह तरह का, खेदने के लिए तरह तरह का नुस्खा लगाए, वो सब किए, और फिर उसी से उनका वहाँ का नाम हाथीखेदा पड़ गया। अब रियल रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। नेचर कैसा होगा ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, वरना इसके रास्ते बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर है। तो जिसको नेचर बहुत पसंद है उनको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो ये कच्ची रास्ता हम पहुँच ही गया है, ये कच्ची रास्ता हमें वहाँ तक ले जाएंगे। तो ये उन्हीं को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये मैं सूट नहीं करना चाहती थी, ये गलती से सूट हो गया। अब हम पहुँच गए हैं, चप्पल खोले हम और हेलमेट रखे, और ये जो गेट है ये मेन गेट है हाथीखेदा ठाकुर मंदिर का, बहुत सुंदर है। तो ये हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ छोटा सा स्टॉल लगाया है, माला मूर्ति पूजा का सामान सब है यहाँ। तो हम आगे जा रहे हैं। तो मैं इमेज नहीं की थी कि ये भी ग्रीन, मुझे ग्रीन नेचर देखने को मिलेगा यहाँ, इतना सुंदर। तो बस
मुझे तो डर भी लग रहा था कि कोई मुझे रोक टोक ना दे कि कैमरा से क्या रिकॉर्ड कर रही हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए थोड़ा डर डर के रिकॉर्ड की हूँ। ये है गेट। एक्चुअली यहाँ पे सब खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो शायद सेल्फी पॉइंट या कुछ ऐसा, फ़ोटो पॉइंट कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। ये मेरे पति परमेश्वर भीड़ में तकलीफ़ उठाते हुए ये प्रसादी खरीद रहे हैं और मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। ये प्रसादी मैंने ले लिया और हम चले पैर धोने। अब मुझे साड़ी पहन के, उसको पकड़ के, प्रसाद पकड़ के, फ़ोन पकड़ के, मैं मुझसे पैर धोने नहीं बन रहा था, तो मैं बोली कि आप पकड़ो ये सब और मैं मुझे धोने दो पैर। फिर ये है वही जो सेल्फी पॉइंट या जो भी कह लो आप, वही है। तो मैं एक बार व्यू दिखा दे रही हूँ और ये हम चढ़ने लगे मंदिर के मंदिर के अंदर चलने लगे। इतना लंबा लाइन आज तो फिर भी पहले के कंपैरिजन में, मतलब कंपेयर में बहुत ही खाली था। वहाँ के लोगों से मुझे पता चला, तो वो है मंदिर। ये देखिए मन्नत किया हुआ सारा नारियल, मैं आपको दिखाऊंगी, ये जगह पूरा मन्नत से भरा हुआ है। तो ये क्या मंदिर के अंदर, मुझे लगा शायद डांट वाट मिल जाए, तो मैं थोड़ा ही सा रिकॉर्ड करके बंद कर दी थी। तो ये अंकल वो भी किन्हीं को वीडियो कॉल करके सब दिखा रहे थे, तो मैं उनके पीछे पीछे उन्हीं का रिकॉर्ड कर गई। फिर हम थोड़ा फ़ोटो शूट किए, वो मैं लास्ट में डाल दूँगी, वीडियो के एंड में डाल दूँगी फ़ोटो। और ये देखिए कितना मन्नत, छोटे से पत्ते, छोटे से पेड़ में इतना बांध बांध के रखा गया है। एक डाली तो गिर गया, इतना इतना भर गया था। ये देखिए हम भी चले एक और पेड़ को हानि पहुंचाने, खोजते हुए कौन सा पेड़ में बांधे। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे पेड़ में भी बांध रखे हैं। अब हम भी अपना खोज रहे हैं कि किधर बांधे। तो अब हम यहाँ बांध लेंगे, बांधने के लिए जगह खोज लिए, अब यहीं पे हम दोनों बांध लेंगे। तो पहले वो बांधे, मेरे पति परमेश्वर पहले बांधे, फिर मैं बांधूंगी। तो उनके बांधते बांधते मैं थोड़ा सा वीडियो बना दे रही हूँ उनका।
एक और एक और एक और बस। अब मेरी बारी थी तो मैं जल्दी से प्रणाम कर ली और फिर बांधने लग गई। अब यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये रहा हमारा मंदिर जहाँ से हम चल के निकले। ये सारा अब देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर ब्लू ग्रीन एवरीथिंग, बहुत बहुत सुंदर। ये देखिए यहाँ पे लोग नहाते हैं, लड़का लड़की का सबका अलग बना हुआ है तो सब अपने अपने जगह में नहाते हैं। तो मैं आपको दूसरे साइड से भी दिखा लेती हूँ। ये देखिए दूसरे साइड से कितना सुंदर लेक जैसा बनाया है। देखिए आपको मैं मन्नत का भी दिखाऊंगी, जिनका मन्नत पूरा हो जाता है वो ऐसे करते हैं। ये देखिए कितना पेड़ में नारियल बंधा है, सारे पेड़ में नारियल बंधा है। ये मन्नत वाला जो कर रही है एक आंटी। यहाँ सब अगरबत्ती जला रहे हैं। देखिए अब हम भी अगरबत्ती चला लेते हैं। ये हम बाहर निकल आए और वो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए। यहाँ पे थोड़ा देर बैठ लिए और कहा जाता है कि वहाँ का प्रसाद खाली लड़के खा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं खा सकती। तो मैं सोची ठीक है, बट वहाँ का टीका भी लड़के लगाते हैं लड़कियाँ नहीं, क्योंकि मुझे लगाने को दिया नहीं गया और मुझे मना ही किया गया। और मैं जितनी भी औरतों को देख रही थी पूजा करके निकल रहे थे, वो भी किसी ने भी टीका नहीं लगाया था। तो ये जगह बनाया जा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मैं कुछ कुछ दिखा देती हूँ न्यू क्या क्या बन रहा है। ये देखिए फिर हम जल्दी जल्दी जल्दी, इतना गर्म था कि मैं जल्दी जल्दी चलने लग गई उस जगह से। अब जल्दी से हेलमेट पहने और मेरे पति परमेश्वर को बहुत ज़ोर से भूख लगने लग गया, तो वो खाने के लिए मेरा फास्टिंग था बोल के मैं नहीं खाई, मैंने वो खूब खाए। अब हम रिटर्न जा रहे हैं। घर के और चल पड़े हैं। तो ये है कुछ कुछ खेती बाड़ी था, लौकी का वगैरह का पता नहीं कुछ कुछ थे। ये रास्ता इतना ख़राब था,
कि मत पूछिए। नेचर को एंजॉय करते हुए हम रिटर्न चलते पड़े हैं। मैं बैठते बैठते इतना बोर हो गई कि थोड़ा अपना ही वीडियो बना लेती हूँ। सोची ये देखिए कितना मोटा सा पेड़ और उसे काट के आधा। थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए उतर गया और मैं यहाँ का फ़ोटो शूट मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। फिर थोड़ा सा पानी पी के हम निकल पड़े। एक्चुअली कमल फूल है तो मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। तो मैं बोलती जो सोर्स में जाओ मेरे लिए लेके आओ, तो उन्होंने कहा दलदल है, मैं जा भी नहीं सकता। तो मैं बोली ओके ठीक है। फाइनली हम डिमना चौक पहुंचने वाले हैं और ये देखो पुलिस हमें रोक लिए थे। लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। ठीक है ठीक है। केला पूछे, केला भी नहीं अच्छा नहीं था तो फिर छोड़ दिए, फ्रूट्स लिए और रिटर्न। फिर हम गन्ने वाला का वेट किए,
फिर हम जूस पिए। फिर रिटर्न घर की ओर। यह हम अपने घर के गली वाले रास्ते में हम घर पहुंच गए। हम घर में बैठ गए, हवा को फैन ऑन करके बैठ गए आराम से। हम मैं बहुत थक गई थी, सोची कि ओके आज का दिन पार भी हो गया। ये हुआ हमारा वहाँ का फोटोज, कुछ फोटोज। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू।